हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनूज कॉर्नर। और मैं हूं कनू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं अपनी शॉपिंग में से एक सबसे अच्छी चीज़, वैसे जो मैंने अमेज़न की शॉपिंग की है। आपने देखी है कि नहीं? अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना। उसमें से एक जो चीज़ मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसका रिव्यू आपके सामने करने जा रही हूँ, वो है मेकअप ब्रशेस। ये है अमेज़न ब्रांड के सोलिमो ब्रशेस, ठीक है। ये इस तरह की पैकेजिंग में है और मैं आप लोगों के सामने खोलूँगी। इससे पहले मैंने लोकल ब्रशेस और कलर बार के ब्रशेस यूज़ किए हैं एक दो, पर सोलिमो ब्रांड के मैं पहली बार यूज़ करने वाली हूँ, तो इसकी पैकिंग मैं खोल लेती हूँ। इस तरह से खुलेगी ये, बहुत ही सॉलिड पैकिंग में भेजा है उन्होंने। और साथ में ये टिन का जो है बॉक्स है, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉलिड है। मतलब चलिए इसे ओपन करते हैं। मुझे इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी, सॉलिड बॉक्स में है। वैसे और भी अच्छे पैकिंग्स वाले थे, बट मुझे बहुत अच्छे लगे। इनके रिव्यूज़ पढ़कर मैंने इनको लिया है, और ये अमेज़न ब्रांड के हैं। तो चलिए इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये पूरा इस तरह का है, ठीक है। ब्रशेज में निकाल लेती हूँ सारे, और आई थिंक ये 12 पीसेज हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरे 12 पीस हैं। ये बहुत छोटे ब्रशेस नहीं हैं, और ये बहुत ही बड़े हैंडल वाले ब्रश भी नहीं हैं। जैसे होते हैं ना कहीं के हैंडल्स बहुत बड़े होते हैं, जिन लोगों को बड़े हैंडल्स के साथ मेकअप करने की आदत है, उन लोगों के लिए तो शायद ये ठीक ना हो, लेकिन मेरे लिए या फिर बिगनर्स के लिए ठीक है बहुत। तो ये कुछ इस तरह के कंटेनर में हैं। मुझे तो इनका टिन का डब्बा ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बल्कि बहुत ही अच्छा और सॉलिड डब्बा है। इसमें हम इसे सेफ्टी से रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि ब्रश तो हमने ले लिया और फिर वो यहाँ वहाँ बिखरते रहते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। और ये इस तरह की पैकिंग में है, तो आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ब्लश के लिए है, फाउंडेशन के लिए है, जिसने फेस पाउडर मैट पाउडर यूज़ करना है उसके लिए, आई शेडो के लिए, आईज़ के लिए अलग से 4-5 ब्रशेस दिए हैं इन्होंने। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। इनका प्रिंट रेट जो है MRP वो तो लिखा हुआ है 1200 रुपये, लेकिन ये मिले हैं मुझे अराउंड 500 के आसपास। ज़्यादा महंगे नहीं हैं, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे सामान से एक साथ ही ऑर्डर किए थे। ये आ जाएगा ब्लश के लिए, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा है, आप देख सकते हैं, है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को भाई, बहुत 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 ज़्यादा सॉफ्ट है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया है इन्होंने ये सोलिमो पैक मेरे को। और आईज़ के लिए भी अलग से काफ़ी सारे ब्रशेज हैं इसमें, है ना, ये सारे आईज़ के लिए हैं, जो छोटे वाले हैं ये वाले। और ये बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छे हैं और ट्रेवल फ्रेंडली हैं, बजट में हैं, वरना ब्रशेस तो 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे के भी आते हैं, बहुत बहुत कॉस्टली आते हैं। बट ये तो मुझे बहुत बहुत पसंद आए, और बहुत ही अच्छी रेंज है इनकी, बहुत बेस्ट लगा मुझे ये पैक, बेस्ट एंड बेस्ट पैक लगा है। मैंने आज तक 3 यूज़ किए हैं। ये सारे जो हैं ये आईब्रोज़ के लिए हैं, कॉन्टोरिंग के लिए हैं, ठीक है। ये सारे आई मेकअप ब्रशेज़ हैं, और ये मुझे बहुत 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 प्यारा लगा पेन ब्रश। ये जो पेन ब्रश है मुझे बहुत प्यारा लगा, इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी और सुपर्ब लगी ना, क्यूटू सा छोटा सा, दैट्स इट। अच्छा गाइस, जो गर्ल्स देख रही हैं, ज़रा मुझे गेस करके बताना तो सही कि ये किस मेकअप के लिए है, ज़रा मैं भी तो देखूं। जो आप लोग देख रहे हो आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है भी कि नहीं, बिकॉज आई मेकअप के लिए तो मैंने और ब्रशेस दिखा दिए, समझे। मुझे तो ये पैकिंग अमेज़ॉन वालों की, अमेज़ॉन ब्रांड की सोलिमो बहुत अच्छी लगी, बिकॉज़ मैं
कोई रेगुलर मेकअप नहीं करती हूँ या मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लेने की ज़रूरत भी नहीं थी टूल्स को तो. लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है, इनके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है. जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किए हैं वो कॉलेज गोइंग गर्ल ले सकती हैं क्योंकि वो बजट फ्रेंडली है, ओनली 75 रुपीज़ के हैं. लेकिन उनके ब्रशेज़ जो हैं हल्के फुल्के हार्ड हैं थोड़े से. ये बहुत ही सॉफ्ट है, ना बहुत बड़ा साइज़ है ना बहुत छोटा साइज़ है कि पकड़ा ना जाए, एवरेज साइज़ है. मुझे तो परफेक्ट लगा बिकॉज मैं कोई बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट या फ़ैन नहीं हूँ कि 24 घंटे मेकअप करती रहूँ, ठीक है ना. और जिन लोगों को बहुत मेकअप की ज़रूरत पड़ती है उनको तो लंबे स्टैंड वाले लेने चाहिए, थोड़ा सा लंबा हैंडल वाला लेना चाहिए. बट ये मुझे अच्छे लगे, सॉलिड है, मुझे लगता नहीं कि कहीं से भी ये निकलने वाले हैं. नहीं तो कई लोगों की होती है चीज़ें निकल जाती हैं, कुछ कंपनीज की जो चीज़ बनाई होती है. बहुत ही सॉलिड और परफेक्ट है. सो गर्ल्स, कैसा लगा ये वीडियो ज़रा बताना मेरे को कमेंट करके ज़रूर ज़रूर ज़रूर. और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ अपना नाम लिखना बिल्कुल ना भूलना. इतना सॉफ्ट है ना कि मज़ा आ जा रहा है, बिना मेकअप के इतना सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है ना कि अच्छा लग रहा है ऐसे करने. बहुत 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 सॉफ्ट ब्रशेज़ हैं, मतलब मात देते हैं ये 1500 वाले पैक को भी. 1200 से 1500 के जो पैक हैं उनको मात देते हैं ये. अकेला 499 का समथिंग कुछ का मैंने कलर बार का एक ब्रश जो था परचेज़ किया था, और ये मेरा 500 में पूरा पैक आ गया है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कलर बार के बुरे हैं, कलर बार एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है और उसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं नो डाउट. लेकिन बिगनर्स के लिए या बिगनर्स नहीं भी हैं मेरे जैसे हैं जो मेकअप आए करते रहते हैं आने जाने के लिए, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, ट्रैवलिंग फ्रेंडली है. तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, और प्लीज़ अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. बाय.